स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर इनॉग्रेट किया जाने वाला है और राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां भी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। अभी ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट बीच में था कि इसी बीच हमें एक और बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। दरअसल हुआ ये कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच ने कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड शाही ईदगाह मॉस्क के केस पर एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में मौजूद ईदगाह के डिस्प्यूटेड साइट की सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का ऑर्डर दे दिया, जिसे ईदगाह के प्रेमिसेस में कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे किया जा सके। लेकिन इसका विरोध करते हुए यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ईदगाह कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सर्वे पर स्टे लगाने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को सिरे से नकार दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए मथुरा की शाही ईदगाह मॉस्क सर्वे के ऑर्डर पर अपनी भी सहमति जता दी। इससे पहले वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ टेम्पल के डिस्प्यूट में भी हाईकोर्ट ने एक सिमिलर सर्वे अलाउ किया था। खैर, देश के दो महत्वपूर्ण कोर्ट्स के इन ऑर्डर के बाद तो ये तय है कि आज पूरे देश की निगाहें कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस पर वापस आ चुकी हैं। इसलिए इसके रूट्स को जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये सर्वे किस चीज को लेकर किया जा रहा है। अगर उस साइट पर आज शाही ईदगाह मॉस्क और हिंदू टेम्पल दोनों मौजूद हैं तो आखिर ये डिस्प्यूट किस चीज को लेकर है। साथ ही सवाल ये भी है कि कैसे मॉस्क को कृष्ण जन्मस्थान पर बिल्ड किया गया है। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि की पूरी कहानी क्या है, ये कहानी सुप्रीम कोर्ट तक कब और कैसे पहुंची, यहाँ कृष्ण मंदिर और ईदगाह के बीच विवाद क्या है और कौन पहले आया और कौन बाद में, इसको समझने के साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी आ चुकी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित कृष्ण की नगरी मथुरा की। अगर इसको शुरू से शुरू करें तो आप सब जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मथुरा को भगवान कृष्ण की पूज्य जन्मभूमि माना गया है। जैसे कि हमारी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस के कारागार में हुआ था, जब उनके मामा कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव को जेल में अपना बंदी बनाकर रखा हुआ था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कंस को ये भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि उसकी मृत्यु देवकी की संतान के हाथों होगी। दोस्तों लेजेंड्स के मुताबिक इसी प्रिजन सेल के अराउंड कटरा केशवदेव मंदिर को बनवाया गया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये टेम्पल 6th सेंचुरी BC में लॉर्ड कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभा द्वारा तैयार किया गया था। इस साइट के आर्कियोलॉजिकल एक्सवेशंस के दौरान यहाँ से 6th सेंचुरी BC की पॉटरी और टेराकोटा डिस्कवर की गई है। इन एक्सवेशंस में यहाँ से कुछ जैन स्कल्पचर्स और लार्ज बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसे कि यशा विहार के भी अवशेष मिले हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसेट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि वज्रनाभा के पिता का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। दोस्तों महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का वंश खत्म हो गया। गांधारी ने अपने बेटों के वियोग में श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जिस तरीके से उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ, ठीक उसी तरीके से उनके यदुकुल वंश का नाश हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद में श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र जाम्ब के कारण द्वारिका में यदुवंशी क्षत्रियों के बीच मूसल युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। उसके बाद बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां एक भील ने हिरण समझकर उनको तीर मार दिया और इसके बाद वे अपने लोक चले गए। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र और वज्रनाभ बच गए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गया।
दोनों भाई बचे हुए यदवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर चले आए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित के सहयोग से व्रज क्षेत्र का निर्माण किया और उनके ही नाम पर इसे व्रजमंडल कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों भाइयों ने कई मंदिरों, तालाबों और अन्य लोकोपयोगी संरचनाओं का निर्माण कराया। ब्रजनाथ ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था उनमें भगवान श्री कृष्ण का केशवदेव मंदिर भी शामिल था। आज हम जिस कृष्ण जन्मभूमि टेंपल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो कटरा केशवदेव मंदिर का ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको सालों साल कई बार डिस्ट्रॉय किया गया और फिर इसको रेनोवेट भी किया जाता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर के परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कब और कैसे हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टेंपल को इतिहास में कई बार डिस्ट्रॉय और रिबिल्ड किया गया है। 400 CE में चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर तैयार करवाया था। सम्राट चंद्रगुप्त के रेनोवेशन के बाद मथुरा का केशवदेव मंदिर लगभग 500 वर्षों तक अडिग रहा, लेकिन हालात पहले की तरह नहीं रह गए थे। अब भारत पर मुस्लिम इन्वेडर्स की नजर पड़ गई थी। दोस्तों, ग्रंथों में इन्हें मलेच्छ कहा गया है। देखा जाए तो केशवदेव मंदिर पर पहला हमला अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनी ने 1017 से 1018 में किया था। वो मंदिरों के वैभव और इनकी इमेंस वेल्थ को देखकर स्तब्ध था। दोस्तों, महमूद गजनी के हमले के समय उसका दरबारी इतिहासकार अल उतबी भी उसके साथ था। उतबी ने अपनी किताब तारीख यामिनी में लिखा है कि हैरान महमूद ने मंदिर की भव्यता को देखकर कहा कि अगर कोई इसकी जैसी इमारत बनाना चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार खर्च करने पड़ेंगे और माहिर कारीगरों को भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। मथुरा के अंग्रेज कलेक्टर रहे F.S. ग्रोसे ने अपनी किताब मथुरा वृंदावन द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा में लिखते हैं कि महमूद गजनी ने श्रीकृष्ण मंदिर के साथ ही साथ शहर के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। मंदिरों को लूटने के साथ ही उसने शहर में भी जमकर उत्पात मचाया था। अल उतबी ने लिखा है कि केशवदेव मंदिर में सोने की 5 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों की आंखों में हीरे जड़े थे। मंदिर में इतना सोना था कि उसे ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने काफी सोना गला दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि सोने को ले जाने के लिए महमूद गजनी ने 100 से भी ज्यादा ऊंटों का इस्तेमाल किया था। देखा जाए तो महमूद गजनी के इन्वेजन के बाद मथुरा पूरे तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। इसके बाद 1150 में जज नाम के एक जागीरदार ने यहाँ पर भव्य विष्णु मंदिर बनवाया। इस बात का जिक्र श्री कृष्ण जन्मभूमि से मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है। माना जाता है कि जज कन्नौज के गढ़वाल राजवंश के अधीन एक जागीरदार थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे मथुरा के राजा विजयपाल देव से संबंधित हैं। खैर, समय के साथ दिल्ली के तख्त पर मुस्लिमों का अधिकार हो रहा था। सैयद डायनेस्टी को हराकर बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा और उसने यहाँ पर लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की। दोस्तों, बहलोल लोदी की मौत के बाद उसका बेटा निजाम खान सिकंदर लोदी 1489 में दिल्ली की तख्त पर बैठा और उसने यहाँ 1517 तक शासन किया। जब मथुरा के केशवदेव मंदिर की प्रसिद्धि सिकंदर लोदी तक पहुंची तो उसने मंदिर पर हमला कर इसे नष्ट कर दिया। साथ ही उसने फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। ब्रिटिश कलेक्टर F.S. ग्रॉस ने जहांगीर के शासनकाल के इतिहासकार अब्दुल्ला की किताब तारीख दाऊदी के हवाले से लिखा है कि सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के नदी में स्नान करने और उसके किनारे मुंडन कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन समय बीतता गया, दिल्ली में लोदी वंश का अंत हो गया। इसके बाद 1526 में दिल्ली में मुगलों का आगमन हुआ। 1618 में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस मंदिर को और भव्य बनवाया। राजा वीर सिंह ने उस दौर में मंदिर पर 33 लाख रुपए खर्च किए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर इतना ऊंचा था कि उसकी रोशनी दिल्ली और आगरा से दिखाई देती थी। इस मंदिर के शीर्ष पर सोने की छतरी लगी थी। फिर औरंगजेब का दौर आया। दोस्तों, औरंगजेब सबसे क्रूर विचारधारा का शासक था। उसे हिंदुओं और मंदिरों से विशेष तौर पर घृणा थी। हर मुगल शासक के शासनकाल की तरह औरंगजेब के शासन में भी मंदिरों को तोड़ने की अनुमति थी, लेकिन मंदिरों को बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब आगरा से दिल्ली लौट रहा था। उसने आसमान में रोशनी देखी तो इसके बारे में अपने सिपाहियों से पूछा। उसके लोगों ने बताया कि केशवदेव मंदिर की रोशनी है और इसी के बाद उसने मथुरा के इस मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया। दोस्तों, साकी मुस्तद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगजेब ने 1669 में मथुरा पर हमले और कृष्ण मंदिर को नष्ट करने के लिए सेना भेजी थी। अंग्रेज कलेक्टर F.S. ग्रोसे ने अपनी किताब में लिखा है कि औरंगजेब मंदिर की भव्यता से चिढ़ गया था। उसने मंदिर को गिराकर उसके खंडहर पर मस्जिद बनवाई थी। इन सब के अलावा स्कॉटिश हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स आर्किटेक्चर में लिखते हैं कि मंदिर की 4 मंजिला इमारत की ऊपरी 2 मंजिलों को काटकर गिरा दिया गया था। इस पर औरंगजेब ने मेहराब बनवाया था जिसे मथुरा की यात्रा के दौरान वहीं पर नमाज पढ़ सके। और 1670 में जब औरंगजेब मथुरा गया तो उसने मंदिर के खंडहर पर बने ईदगाह मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। दोस्तों, आज हम जिस शाही ईदगाह मस्जिद की बात कर रहे हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में स्थित है। देखा जाए तो कुछ रिकॉर्ड से कहते हैं कि जब 1770 में मराठास ने मुगलों को हराया तो उन्होंने मस्जिद की जगह एक बार फिर से मंदिर का निर्माण कराया और समय बीता और 1803 में मराठास को हटाकर मथुरा ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइट का ऑक्शन किया। ये साइट 13.37 एकर्स में फैली हुई थी जहां ईदगाह और मंदिर दोनों मौजूद थे।
जिसमें इस लैंड को वाराणसी के राजा पटनीमल ने खरीद लिया, लेकिन 1935 तक ये साइट लगातार डिस्प्यूट का मुद्दा बनी रही। दोस्तों 1935 में मथुरा के मुस्लिम्स ने साइट पर राजा पटनीमल के डिसेंडेंट राय कृष्णदास की ओनरशिप को चैलेंज किया। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइट पर वाराणसी के राजा के ओनरशिप राइट्स को स्वीकार किया। इसके बाद 1943 में इस जमीन की ओनरशिप मदन मोहन मालवी, गोस्वामी गणेश दत्त और भीखें कालजी आत्रेय को सौंप दी गई। इसकी पेमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट युगल किशोर बिरला के द्वारा की गई। इसके बाद 1951 में इन्होंने कृष्ण जन्मभूमि की साइट पर मंदिर बनवाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट स्थापित किया। दोस्तों 21 फरवरी 1951 में इसको श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम पर रजिस्टर किया गया। देखा जाए तो जुगल किशोर बिरला ने नए मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट जयदयाल डालमिया को सौंप दिया। अक्टूबर 1953 में लैंड की लिविंग के साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये 1983 में मंदिर आज की प्रेजेंट फॉर्म में बनकर तैयार हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन को आगे चलकर जयदयाल डालमिया के एल्डेस्ट सन विष्णु हरि डालमिया और फिर उनके ग्रैंडसन अनुराग डालमिया ने ओवरसी किया। इन सब के अलावा इसके निर्माण में बाकी बिजनेस फैमिली जैसे कि रामनाथ गोयनका का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। दोस्तों 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी ने आपस में एक कॉम्प्रोमाइज किया, जिसके तहत टेम्पल के लैंड का अधिकार ट्रस्ट के पास ही रहा, जबकि शाही ईदगाह का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को सौंप दिया गया और इस जमीन का 2.5 एकड़ का एक टुकड़ा ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गणेश वासुदेव मावलंकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले चेयरमैन थे, जिन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को साइन किया था, लेकिन उनकी इस अथॉरिटी पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उस टाइम वृंदावन के एक रेसिडेंट मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने 1968 के एग्रीमेंट को चैलेंज किया। वो कहते हैं कि जमीन पर कभी मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस पिटीशन को चैलेंज किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 भारत के सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को उनके 15 अगस्त 1947 के स्टेटस पर फ्रीज कर देता है। ये फैक्ट एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर लागू नहीं होता है। देखा जाए तो हिंदू पिटिशनर्स ने इस एक्ट को भी चैलेंज किया है। इस एक्ट से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को एग्जेम्प्ट किया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ये पूरा मुद्दा कोर्ट में जा चुका था। साल 2020 में इसी मुद्दे पर मथुरा कोर्ट में बहुत सी पिटीशंस फाइल की गई हैं, लेकिन उनको 1968 के कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट का हवाला देते हुए नकार दिया गया। दोस्तों सितंबर 2022 में इस पर एक बार फिर से सर्वे की मांग की गई, लेकिन उसको भी नकार दिया गया। वो चाहते हैं कि इस बात पर सर्वे किया जाए कि इस जगह पर शुरू से कोई मस्जिद थी ही नहीं। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा है कि मॉस के प्रेमिसेस में हिंदू टेंपल में लोटस शेप्ड पिलर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करती है, साथ ही यहां पर हिंदू गॉड शेषनाग की भी इमेज देखने को मिलती है। ऐसे में कुल मिलाकर अब पिटिशनर्स का कहना यह है कि कृष्ण जन्मभूमि के प्रमाइसिस से मॉस्क को हटा दिया जाए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉस्क लॉर्ड कृष्णा के बर्थ स्पॉट पर बिल्ड की गई है और वो चाहते हैं कि इस स्थान पर फिर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए और इसके लिए पूरी जमीन हिंदू पक्ष को ही दे दी जाए। दोस्तों मुद्दा अब एक बार फिर उठा है और इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को अलाउ कर दिया है। जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है। दोस्तों इस पूरे डिस्प्यूट का अंजाम क्या होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वे पूरा होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस डिस्प्यूट की पूरी पृष्ठभूमि का अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों आप किस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।